फ्रेंड्स कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, मलाई मटर मेथी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी जो बहुत ही लजीज बनती है। बनाना तो बहुत ही इजी है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। देर किस बात की है। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया है 250 ग्राम मेथी ले लिया मैंने, और इसको मैंने पहले धुल लिया था। धुल के पानी जब अच्छे से सूख गया उसके बाद मैंने इसको इसकी कटिंग किया है। अगर आप कट करने के बाद में धुलेंगे ना तो थोड़ी सी एकदम मुरझाई जैसी हो जाती है। तो जब भी आप हरी सब्जियों को वैसे भी आप जब भी काटना हो तो पहले धुल दीजिएगा। और ये मैंने लिया है 125 ग्राम मटर ले लिया, ये मैंने फ्रेश मटर लिया है। अगर आप चाहें तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल सीज़न है तो आप ले सकते हैं। मटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून हमने लिया है ऑयल। ये कुछ मसाले मैंने लिए हैं। 2 टमाटर है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। 4 से 5 कलियाँ लहसुन है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ले लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। ये कुछ मैंने तड़के के लिए मसाले लिए हैं। 2 से 3 छोटी इलायची है, 3 लौंग है, और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिया है। 2 से 3 टेस्पून हमने लिया है मलाई फ्रेश। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम ले लीजिए, वैसे मलाई तो हर घर में होती है तो आप मलाई लीजिए। और ये 7 से 8 मैंने काजू ले लिया है। काजू इसमें डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे लगेगा आप जैसे शाही पनीर बनाते हैं ना तो उसी तरह से इसका भी टेस्ट आएगा। 1 मिक्सर का जार मैंने ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, सारे मसाले ये, और टमाटर को भी काट कर डाल देंगे। मसालों को हम एकदम बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे, और ये काजू जो है काजू को भी ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, ये देखिए मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। ऑयल मेरा हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे तड़के वाले मसाले। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे वरना आपके मसाले जो है ना जलने लगेंगे। अब हम अपने प्याज डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। प्याज जब भी डालिए तो हाई फ्लेम पे कर दीजिएगा। प्याज मेरी लाइट ब्राउन हो गई, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे सब्ज़ी मसाला। अगर सब्ज़ी मसाला आपके पास नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिएगा। और ये जो मसाला मैंने ग्राइंड किया ना तो उसको डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। जार में थोड़ा पानी डालकर सारे मसालों को मैंने इसमें डाल लिया। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और मसालों को हम भून लेंगे। मसाले मेरे भून रहे हैं, देखिए ऑयल
चारों तरफ से ऐसे सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा मसाला भुन रहा है। 5 से 6 मिनट लगेगा आपका मसाला भुनने के में। ये देखिए मसाला मेरा बिल्कुल दानेदार हो गया है। मसाला भुनने की पहचान यही है कि तेल छूट जाता है और मसाला बिल्कुल आपका दानेदार हो जाएगा। तो मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। अगर आपकी मटर सख्त हो ना तो इसमें बॉयल करके डालिएगा तो कम टाइम लगेगा इसमें मसाले में पकाने में। मेरी मटर जो है ना सॉफ्ट है इसलिए हमको कम टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इसको बॉयल नहीं किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। थोड़ा सा पानी में और मसाले में मिलकर मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट हम इसको पका लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। देख लेते हैं। वाओ क्या प्यारी सी खुशबू आ रही है। चला लेंगे इसको एक बार। मटर हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसको चलाते जाएंगे। इसमें जो मैंने काजू डाला था ना तो इसीलिए इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। जब भी कोई मसाले में आप ड्राई फ्रूट डालेंगे ना तो उसको बिल्कुल से छोड़िएगा मत, वरना मसाला जो है ना जलने लगेगा। तो बीच बीच में मैं मसाले को देखती रही हूँ खोल के कि लगा तो नहीं है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये, इसे बनाइएगा ज़रूर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। हाफ कप पानी और ऐड करेंगे। पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि अभी मेथी जो मैंने डाला है ना इसको भी पकना है। चार से पाँच मिनट लगेगा मेथी को पकने में। ये देखिए अब इसको ढक देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। चलिए देख लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गया है। मेथी मेरी अच्छे से गल गई है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे बलाई। हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा होता है। मेथी अलग होती है और कसूरी मेथी अलग होती है, तो इसको इसके इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे हम। आपको जितनी ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप रख लीजिए।
वैसे जितनी मैंने रखा है ना, ये बहुत ही ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सूखी भी नहीं अच्छी लगती और बहुत पतली भी हो जाएगी तो भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा पानी बचा है उसको भी ऐड कर लेते हैं। टोटल इसमें 1.5 कप पानी लगा है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे ढककर, जिससे कि जो मैंने मसाले और बलाई डाला ना, वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। चलिए देख लेते हैं, 1 से 2 मिनट हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, अगर चलिए अब इसको हम साइड कर देंगे और हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। अगर आपको तड़का देना पसंद हो तो आप दीजिएगा, लेकिन मैं आपको तड़का देकर बताऊंगी। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, तड़का पैन, और 1 टीस्पून हम ले लेंगे प्योर घी। गैस की फ्लेम को हाई कर दिया मैंने और 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तड़के को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई मैंने डाल दिया है, जिससे पता चले कि हमारी सब्ज़ी मलाई वाली बनी है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मटर गल गई होगी ज़्यादा, देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी मटर है ना। ये देखिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, एक बार इसे बनाइएगा ना तो आपका मन बार बार करेगा बनाने का, आपको भी टेस्टी लगेगी, आपके घर में भी सबको पसंद आएगी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर से बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपने कैसे बनाया है। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।